बड़े दिन बाद आ चुके कोई फ्रेश वीडियो लेके। और तो गाइज बहुत जने मेरे से नाराज होंगे कि भाई ये वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। तो गाइज मेरे पे रीज़न है इसका पूरा, मैं बिन रीज़न का नहीं आया हूँ। गाइज दरअसल बात ऐसी थी ना कि मेरे पे डाटा का इशू पड़ रहा था, और जो मेरा अपलोडिंग डाटा लगता है वो लगता है कम से कम 6 GB तो लगता ही है, और मेरे रेगुलर पैक में आता है सिर्फ 2 GB। ठीक है, तो मेरे को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, चाहे 2 दिन का भी डाटा जोड़ के करूँ तो नहीं हो रहा था वीडियो अपलोड। तो भाई इस वजह से मैं वीडियो अपलोड बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। फिलहाल तो तुम्हारे भाई ने इस प्रॉब्लम को अच्छे खासा सॉल्व कर लिया है, और तुम्हारे भाई पे अच्छा खासा डाटा का गोदाम पड़ा हुआ है, और आई होप कि अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। और गाइज अब तो भाई बिल्कुल ही मतलब धमाल मचा देंगे वीडियो अपलोड कर करके। तो गाइज आई होप तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि भाई मैं क्यों नहीं डाल पा रहा था। तो फिलहाल अब बात करते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो गाइज मैं आया था रोजो की साइड, और अब तो गेम प्ले अभी देख ही रहे हो कि भाई शॉट गन से क्या ही बंदों को पेले ही जा रहा हूँ। खैर तो मैं अपने टीममेट से ले लेता हूँ एक गन जो कि होती है UMP। तो अब यहाँ पे देखो बूम बाम करने वाले हैं। अभी तक तुम्हारे भाई के हो चुके हैं 2 किल, और इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 किल तुम्हारे भाई के। अब कुछ बंदे आगे थे और मुझे आगे भी जाना था, और गन साउंड भी आ रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगे बहुत ज़्यादा गन साउंड आ रहे थे, आप ध्यान से सुनो। खैर तो अभी आपको सुनाई दे रहा है कि भाई कितने ज़्यादा भाई गन साउंड है। अभी भी मेरे पे हेलमेट नहीं है, और वेस्ट की हालत तो देख ही रहोगे तो क्या चल रही है। और फिलहाल तो तुम्हारे भाई ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया है, और बारी थी अब रस मारने की। और यहाँ पे करता है तुम्हारा भाई एक फ्री फायर। और तो गाइज यहाँ पे मेरे वेस्ट के डैमेज होने के कारण, और ना ही मेरे पे हेलमेट था इसलिए मैं नॉक हो गया। फिलहाल कोई बात नहीं, मेरा टीममेट यहाँ पे संभाल लेगा। इतना तो मैं अपने टीममेट पे भरोसा कर ही सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने टीममेट से कहता हूँ तू छोड़, सबसे पहले मेरे को रिवाइव दे, और इजी देखो यहाँ पे एक नेड कर दूंगा। और भाई इतनी गंदी किस्मत होती है यार, नेड मेरे को अंदर से टकरा के बाहर के गिर जाते हैं। भाई इनकी काफ़ी अच्छी लक होती है। तो भाई मैं सोचता क्यों ना इन पे सीधा रस मारा जाए। अब आता है इसका टीम में, और तो गाइस यहाँ पे मैंने इजी UMP रिलोड भी करके और यहाँ पे एक टीममेट को पूरा फिनिश कर दिया। और यहाँ पे एक स्क्वाड थी जो कि मैंने इजी फिनिश कर दिया। और आपको ये वाला स्क्वाड वाइब अच्छा लगा तो आप जरूर से एक लाइक कर देना वीडियो पे। खैर अब बात करते हैं और भाई और बंदे भी थे यहाँ पे, यही टीम नहीं थी, जिसमें कि एक बंदा दिखता है ये किसी और टीम से फाइट ले रहा होता है, और इसे मैं आके थर्ड पार्टी कर देता हूँ। और आगे स्मोक हो रहा होता है तो मैं सोचता क्यों ना एक नेड करें। और भाई जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो भाई अब देखो कितने सारे बंदे मेरे को दिखते जाएंगे बैक टू बैक। जस्ट देखो एक तो मुझे अंदर दिखता है, स्पॉट होता है बंदा जहाँ पे मैं मोली कर देता हूँ। जस्ट मैं अपने टीममेट से लेता हूँ नेड, और अब देखो जस्ट वॉल पे ही था, और तभी एक पीछे से बंदा आता है, मेरे टीममेट बताता है, जिसे कि मैं नॉक कर देता हूँ। ये तो खैर केड़ के देवता थे क्योंकि भाई एंड वक्त पे ही आते हैं ये। और यहाँ पे मैं एक मारता हूँ फ्री फायर, और जिसमें से एक बंदे को लपेट भी लेता हूँ। अब जस्ट देखो यहाँ पे क्या करता है तुम्हारा भाई, यहाँ पे कर देता है एक और तुम्हारा भाई 1v3, क्योंकि गाइस एक बोट को भी जोड़ेंगे तो 1v3 ही होगा। खैर अभी एक और आ चुके थे अपने केड़ी के देवता, जो कि हमारी केड़ी मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे तुम्हारे भाई को हो चुके हैं रोजोक से जाते जाते कितने किल, इसे जोड़ेंगे तो भाई 11 हो जाएगा। अभी देखो बोट को मारता हूँ, कहाँ है बोट दिख नहीं रहा, अभी ढूंढ ही रहा हूँ, और ये रहा बोट, अपने केड़ी के देवता को मार दिया है। और यहाँ पे अपनी केड़ी मेंटेन कर ली अच्छी खासी, और अब जस्ट यहाँ से निकलने की बारी है। आप देखो बस रोजोक में 11 किल अकेले बंदे के थे, यानी आप सोच सकते हो कितने सारे बंदे आए थे रोजोक में, और भी तो बंदे आपस में लड़े ही हैं, तो भाई सोच सकते हो आप रोजोक में कितने सारे बंदे आ चुके थे। खैर अब आते हैं यहाँ पे, और मेरे को आगे गाड़ी दिखती है जो कि जस्ट नीचे की साइड आ रही है। यहाँ पे मैं स्प्रे नहीं मारता क्योंकि भाई स्प्रे मारना मतलब एमओ वेस्ट करना जस्ट, और तभी मेरा टीममेट नोक हो जाता है। तो जस्ट आप यहाँ पे देखो क्या मैं सरवाइव कर पाता हूँ या नहीं, सिर्फ आप मेरे पे M4 की एमओ देखो, और अब जस्ट बताना यहाँ पे क्या एक बंदे को नोक, और देखो अपने टीममेट का बदला कैसे लेता है।
ये आते मास है जो कि जोश में थे काफी, और तभी आते इनके भाई काफी होशियार बंदे जो कि होते भाई एक बंदे के चक्कर में सबके सब निपटते चले गए। और भाई ये वाला स्क्वाड वाइप लगे तो प्लीज से एक बार सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो, जो लाल दिख रहा है आप उसे ग्रे कलर का कर दो। फिलहाल अब आते यहाँ पे और मेरे को एक गाड़ी दिखती है जिसे कि एकदम ओपी वाला स्प्रे मार के एक बंदे को गिरा देता हूँ। और अब बारी थी सीधा रस मारने की, और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भाई रिवाइव तो खेलेंगे ही। और अब बारी थी भाई यहाँ पे क्लोजनिंग करने की, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्लोज में। एक बंदा दिखता है जो कि जस्ट लेटा हुआ था, और यहाँ पे मैं करता हूँ एक डराने के लिए प्री फायर ताकि भाई बंदा मेरे पे फिर से अटैक ना करे। और फिर भी भाई डर नहीं रहा था बंदा, और मैं स्पॉट करने लगा कि भाई बंदा है कहाँ। तो यहाँ पे एक मैं प्री नेट करता हूँ, और ये वाला नेट देखो और जस्ट सब्सक्राइब कर दो। और तो गाइस आपको ये वाला नेट कैसा लगा आप जरूर से बताना। और ये वाला बंदा तो भाई सच में भाई चूतिया बंदा था भाई, अपने ही नेट से मर गया भाई, ये किल भाई मेरा चला गया। खैर यहाँ पे तो मैंने कर दिया था एक और स्क्वाड वाइप, और ये वाला भी आपको स्क्वाड वाइप अच्छा लगा था यार जस्ट एक बार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। खैर आ जाते हैं अब भाई पोचन की साइड, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बंदे फायरिंग कर रहे थे आपस में, और मेरे को लग रहा था शायद तक बोट थे। और क्योंकि मैं यहाँ पे आता हूँ पहले तो भाई चेकआउट करूँगा कि भाई बोट थे कि क्या थे। अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ और देखता हूँ बंदे स्पॉट करता हूँ, तो जस्ट एक आगे बंदा दिखता है जो कि भाई कपड़े पहन के पता नहीं कहाँ नशे करके घूम रहा था। और अब जस्ट देखो यहाँ पे कैसे बंदे को ठिलाते हैं। पहले तो एक बंदा मेरे को यहाँ पे बोट फायरिंग करता हूँ, मेरे को भी याद नहीं है क्योंकि यार थोड़ा सा ये ना पुराना गेम प्ले मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा था ताकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, मगर भाई नेट के इशू के कारण मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा था। फिलहाल अब यहाँ पे बात करते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैं एक बोट फायरिंग करता हूँ और एक बंदा दिखता है जो कि मैं एकदम भाग देता हूँ स्प्रे, ये बहुत बुरा लगा भाई। और कोई नहीं, मगर भाई देखो बदला तो जरूर नहीं लिया जाएगा क्योंकि गाइज यहाँ पे मेरे को खुद नहीं समझा पीपी बाइजन इतनी खतरनाक गन हो चुकी है, मैं इसे क्या बताऊँ। और भाई इसका ये मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि यार पीपी बाइजन इतनी खतरनाक है कि भाई एकदम से नोक के साथ मैं पूरा कवर में आ गया था, और भाई पता नहीं कैसे भाई एकदम से लास्ट की गोली उसकी हेड पे लग गई। फिलहाल बस था यही था आज का गेम प्ले। और तो आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आता है एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और गाइज अब से भाई रोज के रोज विनर चिकन डिनर वाली गेम प्ले आएंगी, और ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्यों ना एक गेम प्ले बना के डाल दिया जाए क्योंकि यार बहुत सारे पब्लिक कह रहे हो ये वीडियो क्यों नहीं डाल रहा, तो आपने रीज़न सुन ही लिया होगा। खैर बस तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाँ सब्सक्राइब करना भूलना ना, जो बोला है मैंने यार 5-5 बार बोल दिया है। चलो ठीक है, अब मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।